भारती मासी, ये हमारा घर है। हमारा घर? सच्ची? चलो फिर छुपा छुपी खेलते हैं। चलो छुपा छुपा जल्दी। भारती मासी, दो मिनट, आपको छुपा छुपी खेलना है ना? ठीक है, हम दोनों एक साथ खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। बालवीर, थैंक यू वेरी मच, आज तुमने मेरी और भारती मासी की जान बचाई। सच कहूं बालवीर, तो मुझे अभी तक सब कुछ सपना लग रहा है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने रानी परी को देखा, मैंने कितनी सारी परियों को देखा। परी लोग की कहानियां सच होती है। और हाँ, परी लोग में एक बुरी, शैतान और खतरनाक भयंकर परी भी है। बुराई तो हर जगह होगी, हमें बस सच्चा और अच्छा बनकर उसका सामना करना चाहिए। हाँ, जो तुम्हारा रूप धारण करके यहाँ रह रही थी, ताकि घर वालों को परेशानी ना हो कि मेहर कहाँ चली गई। परी? ओह, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार परी देखी है। ओह, कितनी अच्छी है परी। थैंक यू नटखट परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। ओए, इनको तो आशीर्वाद भी नहीं देना आता। अरे तुम लोग पहले उनके पांव छुओगे, फिर आप लोग बोलोगे खुश रहो खुश रहो। बालवीर, नटखट परी, आप एक काम कीजिए, आप और डुबा डुबा अपने असली रूप में आ जाइए। वाओ, नटखट परी मेरे रूप में मेरे ही घर में रह रही थी। मैं अभी ये मानव और दादी को बता के आती हूँ। नहीं मैं, तुम ये सब बात घर वालों को नहीं बता सकती, क्योंकि परी लोग के नियमों के खिलाफ है। मुझे तुम्हारी सारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। ठीक है बालवीर। हे रानी परी, जैसे नियमों के अनुसार बदलते हैं दिन और रात, वैसे ही मिटा दो मेहर के अपहरण होने की सारी याददाश्त। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तू मोटा है? नहीं। तो भी मोटा कौन है? पापा। सॉरी मोटा भाई। मोटा भाई, मोटा भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मोटा भाई, अंदर दो दो महीने डबल डबल। जल्दी आइए ना, देखिए मेरे साथ। बेटा रॉकी, तू ऐसा बोलता ना कि भारती मासी को मैंने डबल डबल देखा है, तो मान जाता। क्या हम लोग देखते हैं? चलो चलो भाई, दो दो महीने। चलो चलो मेहर। बालवीर जल्दी करो, घर वाले आते ही होंगे। हाँ।
तू कहाँ रह गई थी का भाई? भाभी वो तो ठीक है लेकिन अभी यहाँ पे दो दो मेहर थी लेकिन वो दूसरी वाली मेहर कहाँ है? रॉकी मैंने कहा था ना तुझे तूने मेहर को नहीं भारती को देखा होगा इसलिए तुझे डबल दिखाई दिया होगा। क्या मतलब मेहर ये जादू की ड्रेस वापस क्यों पहनी? मेहर अभी के अभी से चेंज करो और बच्चों सुन लो इस घर में अब कभी जादू नहीं होगा। और हाँ बच्चों भारती मासी को किसी ने भी साथ दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ओह माय गॉड मेरा घोड़ा आ गया और पैंट शर्ट पहन कर आया चश्मा भी। अब देखना मेहर मैं अपने घोड़े की सवारी करूंगी और जंग लड़ने जाऊंगी। हट जाओ पीछे चलो घोड़े की सवारी करते हैं। भारती ये घोड़ा नहीं है तो गधे? हाँ नहीं पहले बताया करो ना घोड़े और गधे की सेम शक्ल होती है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं नहीं गधा भी नहीं है। तो ये भालू है लेकिन इनके बाल किधर हैं? ये भालू भी नहीं है कोई नहीं है। ये अच्छा अपनी बहन को देखा वो आ गई है तो मैं कोई नहीं हूँ अब मैं कोई नहीं हूँ। अरे ये जीजा जी है। बहू ये तेरे जीजा जी नहीं तेरा पति है। हाँ हाँ पति है ये सिर्फ पति है हमारे पापा नहीं है। ये पापा है। भाभी तो फिर अभी आपने मोटा भाई को जीजा जी क्यों बोला? ये भगवान ये क्या हो रहा है? एक मिनट ये मेरे पति है भारती के जीजा है और मेरे बच्चों के पापा है। क्या हो रहा है? क्या बात है स्मिता इस बार करेक्ट बोलियो यार। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी तारीफ वो तो मैं कभी नहीं करूंगी बल्लू लल्लू। घिर के मुझे क्यों खड़े हो? और मैं यहाँ पर कैसे आई? हाँ मैं तो बोलता हूँ यहाँ क्यों आई? क्योंकि ये मेरी बहन है। हाँ तो बराबर है करेक्ट। और रॉकी भैया आप दोबारा मत कहना कि किसी को डबल देखा है। मैं खाना लगा के आप सब बाहर आ जाइए। आज भारती को जाना है ना? अच्छा आपकी ट्रेन है ना उसकी? अच्छा अच्छा अरे हाँ यार तुम लोग के परिवार से बिछड़ने का टाइम कितने जल्दी आ गया पता ही नहीं चला। अब ऐसी शक्लें क्यों बना रखी है? चलो चलो रात को निकलना है खाना तो खाए खाना बनाओ खाने से मत बचो। चलो चलो जल्दी चलो माँ। अरे स्मिता बच्चों रॉकी चलो आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। अरे अरे भाई चलो जल्दी जल्दी बाय बोलो जल्दी जाए बाय बोलो ताकि भारती वासी जाए। अच्छा आपको बहुत जल्दी है भारती को यहाँ से निकालने की? ऐसा मत बोलो दीदी चेहरे पे देखो कितनी उदासी है। जीजा जी का इतना उदास चेहरा देख के मुझे लगता है मुझे 5-6 महीने यहाँ पे रुक ही जाना चाहिए। मुझे जल्दी थोड़ी है मुझे जरा भी जल्दी नहीं है वो तो टैक्सी मंगाई है ना टैक्सी ड्राइवर को बहुत जल्दी है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो बच्चों जल्दी बाय बोलो बाय बोलो वहां से कहो जल्दी बाय बोलो। खुशी के मारे टैक्सी भी ले आए जल्दी। हाँ तो रिक्शा में थोड़ी तुम सामाने वाली हो। हाँ सामान आने वाला है क्या रिक्शा में इतना सारा ये बोलना चाहता हूँ मैं। बच्चों जल्दी मासी को बाय बोलो जल्दी बाय बोलो। भारती मासी कितना अच्छा होता ना कि अगर आप थोड़ी देर ना रुक जाती तो कितना मजा आता ना। मानव मानव बेटा भारती मासी को कई और शोज करने हैं ना जाने दो चलो बाय बोलो जल्दी बाय बोलो। भारती मासी हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ मासी। अच्छा अरे मैं कब से खड़ी हूँ मेरा घोड़ा किधर है? मैं थक गई हूँ मेरा घोड़ा बताओ ना मेरा घोड़ा किधर है? मेरा घोड़ा मैं थक गई हूँ। अच्छा मैं भी तुम लोग को बहुत मिस करूंगी। अच्छा मैंने इतने बड़े बड़े चॉकलेट पकड़ी थी हाथ में आंटी किधर है? ये मोटू थोड़ी खा गया कहीं से मेरे चॉकलेट।
मारती है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जल्दी वापस आऊंगी। भारती, तुम्हारा बहुत बड़ा राज पता चल गया। कौन सा? अरे तुम भारती में से लल्ली और लल्ली में से भारती कैसे बनती हो वो पता चल गया। जब भी कोई छिकता है ना, ये भारती से लल्ली और लल्ली से भारती बन जाती है। हाँ भारती, अगली बार तू किसी को भी मिले ना, तो उसे पहले से बता देना कि तेरे सामने छिके नहीं, और अगर छिके तो उसे कहना कि वो दोबारा छिक ले ताकि तू हॉरिबल हो जाए। दादी, हॉरिबल नहीं, नॉर्मल। हाँ, वो वही सेम टू सेम। वाह, ये इसका इतना बड़ा राज मुझे पहले पता चल गया होता तो इतने सालों से ये लल्ली बनके मुझे परेशान कर रही है ना, वो परेशान नहीं कर पाती, मैं ही छिक देता। प्लीज जीजाजी, जाते वक्त तो मत पकाओ ना। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट? हाँ, पीछे डाइनिंग टेबल में पड़ा है, जाओ जाओ जाओ। ये 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 बल्लू, तुम्हें पता है ये जादू वादू कुछ नहीं होता, सिर्फ हाथ की सफाई होती है, मैं ये समझती थी, लेकिन तुमने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। अरे तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, और जादू नहीं, तुम तो बहुत चमत्कार करते हो बालवीर। हाँ मुझे पता है तुम बालवीर हो, लेकिन चिंता मत करो, ये राज राज ही रहेगा। ए भारती, तू मेरे लिए अंग्रेजी सीखने की किताब क्यों लाई? आई स्नो इंग्लिश। दादी, स्नो नहीं, नो, स्नो का मतलब तो बर्फ होता है। हाँ वो वही सेम टू सेम। ये मुझे ऐसे ट्रेन की टिकट दिया, पता नहीं क्यों भारती ट्रेन की टिकट। ये आपके लिए नहीं, ये मेरी है, 3 महीने बाद की। यहाँ से पढ़ लीजिए कौन सी ट्रेन है, टाइम पे स्टेशन आ जाना, लेट आए ना तो गले लगा लगा के सारी पसलियां तोड़ दूंगी। चलो चलो, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। आराम से जाना, जाते ही फोन करना। हाँ नहीं, इसके लिए तो आप है ना, उठाइए ध्यान से, कांच का सामान टूटे ना। बाय। चलो 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 चलो। आप नहीं हूँ मैं बेवकूफ और बेअकल जो रहता हूँ आपके साथ। बढ़ेगा आपका दिमाग। अरे मरवा देगी ये बेवकूफ। अब मेरा जादुई दंड मेरे पास आ गया है, तौबा तौबा। अब देखती हूँ कैसे परियां और बालवीर करते हैं मेरा सामना। देखो मेरी शक्तियां, देखो तबा तबा।
अब बताऊंगी उस बालवीर को कि ये भयंकर क्या बला है। अब तक तो अपनी बुद्धि से हराया है उसे, अगर अब अपनी ताकत से हराऊंगी। अरे पहली बार जीत मिलने पे हो गई आप पावली है नहीं अच्छा जागते हुए सपना देखना। ठीक है ऐसे ही तड़पेंगे मेरे कदमों पे वो बालवीर और वो परियां, मगर मैं उन्हें दया नहीं सजा दूंगी, हर बार का बदला लूंगी उनसे। अरे बोल रही हो आप कुछ भी है, मिला आपको सिर्फ अपना जादू दल, ताकि कभी ना हारने का कोई वरदान। पड़ी है आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से तोबा तोबा के पीछे। अरे है नहीं लगता ज्यादा समय आपकी जीत को हार में बदलने में और आपकी पैरों तले की जमीन फिसलने में। जमीन तो अब खिसकेगी बालवीर और उन परियों के कदमों के नीचे से। अरे खिसक जाएगी तो उड़ के चले जाएंगे वो। वो तो उड़ जाएंगे पर तुम तो नहीं उड़ सकते ना, जरा पीछे मुड़ के देखो। जादुई डंड से इतनी बुराई फैलाऊंगी कि अच्छाई भी ऐसे ही भागेगी। अरे अरे परी भयंकर, तू मैं तो बुरा हूँ तो क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? माफ कर दीजिए मुझे। आंखें खोलो डरपोक और बेवकूफ तौबा तौबा। अरे वाह गया मैं मार के हो आप महान, लेकिन कर रही हो आप वार मुझ पे क्यों? वार तुम पर नहीं, वार तो अब होगा उस बालवीर पर। है वो तो एकदम आसान, एक ही वार में आपकी जीत पक्की, क्योंकि करेंगे हम वार बल्लू पे।